आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। तो यहाँ में चार विकल्प देखे, 15 मीटर, 15 अंडर रूट 3 मीटर, 5 अंडर रूट 3 या फिर 45 अंडर रूट 3 मीटर। तो देखिए हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है ना। तो देखिए मीनार की ऊंचाई है ना, तो देखिए अपने पास हम एक मीनार बना लेते हैं। तो मान लीजिए अपने पास ये कोई मीनार है ना। अब क्या कह रहा है कि 15 मीटर ऊंची है, तो यहाँ अपने पास मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है वो अपने पास 15 मीटर दे रखी है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया, तो देखिए मीनार की छाया अपने पास जमीन पर बनेगी। तो मान लीजिए अपने पास ये कोई मीनार की छाया है और यहाँ अपने पास ऊपर से सूर्य पड़ेगा, तो अपने पास ये वाली छाया बन जाएगी ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण अपने पास 60 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण है वो अपने पास कितना है, वो अपने पास 60 डिग्री है। देखिए हमें छाया की लंबाई ज्ञात करनी है जमीन पर, तो इस लंबाई को मैं अपने पास एल मान लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये वाला कोण अपने पास कितना है, ये वाला कोण अपने पास 90 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अपने पास इस एल का मान ज्ञात करना है, लंबाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ अपने पास हम टेन लगा सकते हैं, तो हम जानते हैं कि अपने पास टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है अपने पास लंब बटे आधार ना, तो लंब बटे आधार है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ अपने पास यदि मैं टेन ले लूँ इसका, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, देखिए टेन 60 डिग्री बराबर ना, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ अपने पास 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 15 मीटर है, तो ये अपने पास लंब हो जाएगी। तो ये जगह अपने पास 15 बटे जो बच गई भुजा, देखिए इस 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो जाएगी, तो ये अपने पास कर्ण है, तो ये अपने पास बच गया जो आधार ना, तो ये अपने पास 15 बटे एल के बराबर आ जाएगा। तो टेन 60 डिग्री का जो मान है वो अपने पास अंडर रूट 3 होता है, तो यहाँ से अपने पास अंडर रूट 3 बराबर 15 बटे एल आ गया। और यहाँ से अपने पास यदि मैं एल को इधर भेज दूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 3 गुणा एल बराबर अपने पास 15। तो यहाँ से अपने पास एल का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा अपने पास 15 बटे अंडर रूट 3 ना। अब देखिए यहाँ अपने पास आंसर जो है वो किसी से मैच नहीं खा रहा, तो हम क्या करेंगे इसका प्रमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास मैं अंडर रूट 3 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा अपने पास एल बराबर ऊपर आ जाएगा अपने पास 15 गुणा अंडर रूट 3, 15 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 ये आ जाएगा अपने पास 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 3 से ये 5 बार कट जाएगा, तो एल का जो मान है वो अपने पास 5 अंडर रूट 3 के बराबर आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास मीटर में। तो यहाँ से अपने पास जो छाया की लंबाई आ गई जमीन पर वो 5 अंडर रूट 3 मीटर के बराबर आ गई, जो अपने पास तीसरे विकल्प में दे रखा है। धन्य दोस्तों, मेरा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।